पहले तो इनके पार्टी के दूसरे नेता थे, अब स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के। जिस तरीके की हम लोग इन पांच सीट इन पांच चरणों में जिस तरीके से मतदान हुआ है, 300 से 315 तक का आंकड़ा हम लोग पार कर चुके हैं। अब 25 तारीख वाला और 1 तारीख वाला मतदान, इसमें हम लोग यकीनन 400 का भी आंकड़ा पार करेंगे। और अगर इस बार पूरा एनडीए मिलकर इतिहास में सबसे बड़ी संख्या के साथ केंद्र में सरकार बनाता है तो उसमें भी किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। और कांग्रेस अपने ऑल टाइम लो पर अगर जाती है तो उसमें भी किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। ऐसे में ऐसी भाषा का इस्तेमाल सिर्फ इसीलिए हो रहा है क्योंकि अब वो बौखलाहट उनके अंदर भरती जा रही है। अपनी सीटें कम होता है। YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।